मधुबनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। संजय सिंह से बात की है हमारे संवाददाता राजीव ने। नरसंहार मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हमारे संजय सिंह हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनपे इस पर क्या कहना है कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आप आरोप लगाते हैं कि हमारे दबाव में। देखिए ट्विटर बबुआ जो है ना, पहले उनसे बात कर लीजिए कि उनके माता पिता का 15 साल का राज था। 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। अगर अपराधी नरसंहार करते थे तो उसका जगह कहां होता था? एक अन्य मार्ग, यानी कि मुख्यमंत्री के आवास में। नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करते हैं, पाताल में भी रहते हैं, उसको खोल दिया जाता, उसका जगह कहां होता? जेल के सलाखों के पीछे। न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। हम भी महम्मदपुर गए थे, ये घटना जो घटी आपसी रंजिश का, लेकिन ये घटना हृदय विदारक था। 6 आदमी को गोली लगा, 5 आदमी का मृत्यु हो गया, 1 पारस हॉस्पिटल में भर्ती है। हमने कह के आया था, उनके परिजनों से हमने भेंट किया और मैंने कह के आया था कि 48 से 72 घंटा के अंदर अपराधी पकड़े जाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई है संविधान के तहत वो उस पर लागू होगा। और मैं आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला, सारे अधिकारियों से उन्होंने बात कर, पहले से भी सजग रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसे अपराधी करने वालों को हमारे यहाँ को प्रश्रय नहीं दिया जाता है। और मिलने के बाद आज देखिए, आज 4 बजे जो परवीन झा जो रावण करता था उसकी गिरफ्तारी हुई 5 आदमी के साथ। लेकिन आप पे वहाँ आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल हैं, जो DSP हैं, वहाँ के नेता हैं, उन्होंने ऐसा कोई कांड कराया है, तो इस पे क्या कहें? देखिए जब कार्रवाई हुई तो वहाँ के SHO को सस्पेंड किया गया, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी के ऊपर आरोप लगाना, आपका चमड़े का जवान है बोल दीजिए, ये तो जांच का विषय है ना, कौन किसके आदमी है। पहले अपने राजपाट का बात बताए ना, किस तरह अपराध होता था, बाहुबलियों को जगह मिलता था एक अन्य मार्ग में, शाहबुद्दीन दास वल्लभभाई अरुण यादव क्या रेप के आरोप में बाहर है, घूम रहा है, उसके ऊपर केसेस है, उसको अभी तक पार्टी से आपने निकाले। हमारे नीतीश जी के राज में कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है, कानून अपना काम करता है। और खासकर मैं ट्विटर बबुआ से कहना चाहता हूं, इस सवर्णों के प्रति जो घरियाली आंसू बहा रहे हैं वो बंद करें। कम से कम वहां जाकर उनको कहना चाहिए था कि हमारे पिता ने 1990 में क्या कहा था गांधी मैदान में, कि भूरा बाल साफ करो, भूमिया राज को ब्राह्मण को साफ करो। लेकिन भूरा बाल तो साफ नहीं हुआ, लालू जी आप साफ हो गए, आपको याद होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं। संजय सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार को 12 करोड़ जनता ने ही समर्थन दिया है और वो आज सरकार में है और सरकार काम करती है। पटना से अमित के साथ मैं राजीव कमल।